हेलो एवरीवन वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट सो जो आज का सेशन हमारा रहने वाला है वहां पे हम लोग देखेंगे रिसर्च प्रपोजल को स्टेप उसके जो स्टेप्स होते हैं स्टेप्स ऑफ राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपने सिनॉप्स को कैसे हमको प्रिपेयर करना है ठीक है उनको उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सैंपल भी आपका डाला हुआ है जिसमें आप देख पाओगे कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे डिजाइन करना है ठीक है बेसिकली वो सैम्पल है कि सिर्फ आपके देखने के लिए होगा कि आपको कैसे डिजाइन करना है ठीक है रिसर्च प्रपोजल को समझने से पहले हम समझेंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है है ना ये सिनोपिस क्या होती है ठीक है इसको क्यों बनाया जाता है इसका पर्पस क्या है बनाने का है ना सबसे पहले हम ये समझेंगे उसके बाद स्टेप्स 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 पे आएंगे ठीक ठीक है है जैसे इसके जो हैं हैं ये पूरे है, टाइटल है इंट्रोडक्शन है बैकग्राउंड है नीड एंड सिग्निफिकेंस ये सारी चीजें हैं ठीक है ठीके? इसको बाद में देखेंगे उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है है ना और इसका पर्पज क्या होता है बताने का ठीक है देखो अगर मैं रिसर्च प्रपोजल की बात करूं या फिर इसको भी बोलते हैं ठीक है उसकी मैं बात करूं तो एक तरीके का ये जैसे क्या होता है ये ब्लू की तरह काम करता है जब भी हम अपने रिसर्च को प्रोसेस कर में लेके आने से पहले है ना? रिसर्च को प्रोसेस में लाने से पहले ये पहले वाला स्टेप होता है ठीक है हम पहले से ही एक पूरा ब्लू तैयार कर लेते हैं लाइक जैसे जैसे आर्किटेक्चर है किसी भी घर को बनाने से पहले है ना किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने से पहले वो क्या करता है एक मॉडल तैयार करता है है ना उसी तरह ये रिसर्च प्रपोजल भी हमारा काम करता है ठीक है आफ्टर सेलेक्टिंग एंड फॉर्मलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ठीक है सबसे पहले आप काम आपका क्या होगा आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम खोजो ठीक है आप अपना क्या करो रिसर्च प्रॉब्लम किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है उसके लिए आप क्या करोगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे है ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे कभी भी अगर आपको टॉपिक निकालना है अपने के लिए है ना तो सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ो उस जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड जितने भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको पढ़ो और जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे तो उसके लास्ट में रिकमेंडेशन दे रखी होती है हमेशा देखना वहां पर रिकमेंड दे रखी होती है तो वो जो रिकमेंडेशन होती है ना वहीं से आप अपना गैप फाइंड आउट कर सकते हो रिसर्च का जो गैप होता है वो आप वहां से निकाल सकते हो ठीक है द रिसर्चर इज रिक्वायर टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल और मतलब हमने जब अपना टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद रिसर्चर क्या करता है पूरा एक सिनोपिस तैयार करता है पूरा एक ब्लू प्रिंट तैयार करता है जिसको प्रेजेंट करता है अपनी यूनिवर्सिटी के सामने या फिर किसी आ, कमिटी के सामने ठीक है क्लियर है एट द स्टेज ऑफ राइटिंग द प्रपोजल द इंटायर प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क शेप इन टू द कंक्रीट फॉर्म ठीक है मतलब ये जो आ... जब हम रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं है ना जब भी आप रिसर्च प्रपोजल को लिखोगे तो वो जो पूरा प्रोजेक्ट होता है रिसर्च का वो एक कंक्रीट फॉर्म में आ जाता है ठीक है एक कंक्रीट आपको पता होता है कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है क्या क्या चीज में चाहिए कौन सा सैंपल लेना है कौन से टेक्निक का यूज करना है पूरा एक ये आपको पूरा कंक्रीट फॉर्म में मिल जाता है जैसे आपका जैसे घर बनाने से पहले क्या होता है एक मॉडल तैयार हो जाता है हाँ आपको पता चल जाता है कि हमारा जो घर बनेगा बिल्कुल ऐसा ही तैयार होगा, ठीक है? है है? है 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 तो वो एक एक कंक्रीट स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है पे। It is an outline और blueprint. ये क्या है? एक outline है या फिर blueprint है हमारी पूरी रिसर्च के लिए। It describe, ये describe करता वट द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू एंड वाई एंड हाउ मतलब ये जो ब्लूप्रिंट है ये जो सिनोपिस है ये बताता है रिसर्चर क्या करना चाहता है और कैसे करेगा और क्यों करना चाह रहा है इस चीज को है ना वाई हाउ एंड वो करना क्या चाह रहा है है ना ये पूरी चीजें कोई भी कमेटी होगी कोई भी यूनिवर्सिटी होगी जिसके सामने जब इसको आप प्रेजेंट करोगे उस कमेटी के सामने तो उसको ये चीज इस ये पूरा सिनॉप्सिस देखकर ही पता चल जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे आपने कौन सी टेक्निक का यूज किया है कौन कितना सैंपल लिया है है ना तो इसी से ही इसको आइडिया लग जाएगा इन द प्रपोजल द रिसर्चर डिमोन्स्ट्रेट दैट ही इज फैमिलियर विद वॉट हीज डूइंग ठीक है मतलब रिसर्चर जब ये प्रपोजल बनाता है तो वो फैमिलियर होता है ठीक है जो कुछ भी वो डिमॉन्स्ट्रेट आगे इस पर ये जो आपने रिसर्च ये जो टॉपिक लिया है जिसपे आपको रिसर्च करना है इसमें जो कुछ भी चीजें आप लिख रहे हो उन सब चीज़ों से आप फैमिलियर हो जाते हो ठीक है एक रिसर्च रीडर फंड प्रोवाइडर जो रिव्यूर्स होते हैं सम, है, करने, करने हो, फंड जो दे रही है या फिर जो रीडर है या फिर कम्युनिटी है जो भी ठीक है वो एक तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को इसके थ्रू देख सकती है ठीक है पूरे प्रोजेक्ट को एक ही में समझ पाएगी इट इज रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च ये हमेशा अपनी रिसर्च को प्रोसेस करने से पहले लिखा जाता है ठीक है जैसे घर आपको बनाना है तो उससे पहले आप क्या करते हो एक आप मॉडल तैयार करते हो है ना इंजीनियर से मॉडल तैयार करवाते हो ठीक तो सेम ये चीज भी वही है ठीक है रिसर्च को बिगन करने से पहले शुरुआत करने से पहले हम ये चीज करते हैं हेयर इंस्पिरेशन एंड इनसाइट ऑफ रिसर्चर

तो ये होता है आपका है, है, इंटायर रिसर्च प्रोसेस में जो जो चीजें यूज करने वाले हैं जो चीजों को हम कैसे डिमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं वो सारी चीजें ये चीज बताती है ठीक है इसका पर्पस का अगर मैं बात करूं तो बेसिकली तीन मेजर वैसे तो यहां ये लिखे हुए हैं तो इसका मैंने एक अलग से इसमें निकाला है कि बेसिकली ये तीन पर्पज को सर्व करता है ठीक है अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ सिर्फ ये तीन पर्पज को सर्व करता है पहला क्या है ये सर्व करता है एज अ प्लान ऑफ एक्शन ये एक्शन ऑफ प्लान को सर्व करता है ठीक है ये एक तरीके से कम्युनिकेट करता है रिसर्चर के प्लान को ये जो सिनोपिस है वो क्या करता है जो ये रिसर्चर ने जो पूरा प्लान उसने बनाया है उसको कम्युनिकेट करने का ये एक मीडियम होता है ठीक है जितने जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको ये जैसे आपने आर्किटेक्चर घर बनाना है आपको तो जो भी आपका आर्किटेक्चर होगा वो क्या करेगा मॉडल तैयार करके रख देता है ठीक है तो ये मॉडल क्या है वो करने का एक है, एक है, जो भी लोग इससे इंटरेस्टेड है ठीक है ये कंस्टिट्यूट करता है बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट ठीक है किसके बीच में रिसर्चर के बीच में और जो गाइड है या फिर जो भी फंडिंग एजेंसीज है ठीक है तो ये क्या है इसके पर्पस है वही चीजें यहाँ पे भी लिखी है मैं एक बार इसको बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं अ प्रपोजल इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ये चीज अभी हम लोग ने देखा जैसे विच द आर्किटेक्ट डिजाइन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस वही चीज मैंने बताया जो भी आर्किटेक्ट है हाउस को कंस्ट्रक्ट करने से पहले क्या करते हैं पूरा डिजाइन करते हैं एक तरीके से अपने प्लान ये जो पूरा ये कंक्रीट जो ये स्ट्रक्चर है वो हमारे प्लान को कन्वे करता है हमारी पूरी इंटायर रिसर्च को ये कन्वे करने का काम करता है कि आगे रिसर्च हमको कै, कैसे कैरिड आउट करनी है अब प्रपोजल सर्व टू कम्युनिकेट टू रिसर्चर्स रिसर्च प्लान मतलब ये कम्युनिकेट करता है यहाँ पे ठीक है पहला यहाँ पे क्या आया ये एक ब्लू प्रिंट की तरह काम है काम करता है ठीक है ये हमारे प्लान को कन्वे करता है दूसरा ये सर्व करता है एज अ कम्युनिकेट दे सर्व्स टू कम्युनिकेट द रिसर्चर रिसर्च प्लान टू दोज हु प्रोवाइड कंसल्टेशन मतलब जो लोग इस पे फंडिंग करना चाह रहे हैं है ना उनको ये क्या करता है एक तरीके से उनको कम्युनिकेट करता है कि ये पूरा रिसर्च प्लान ऐसा है ठीक है और रिसर्च प्रपोजल सर्व एज अ प्लान ऑफ एक्शन ये एक प्लान ऑफ एक्शन की तरह सर्व करता है ये कन्वे करता है इट कन्वेज टू द रिसर्चर एंड अदर्स

ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको समझना है पे, क्लियर होंगी देखो ये मैंने पूरा पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेल में डाल दिया है बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है बट स्टिल जो लोग बिल्कुल नए हों तो उनके लिए मैंने ये चीज डाल दिया है ठीक है अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका टाइटल पेज क्या आता है आपका टाइटल पेज टाइटल पेज में आप मान लो कि जिस भी यूनिवर्सिटी के हो पहले यहाँ पे अपना टॉपिक का नाम लिखोगे यहाँ पे वो कवर सॉरी uh, जो लोगो होता है आपके कॉलेज का फिर यहाँ पे आपके सुपरवाइजर का नाम होगा यहाँ पे आपका नाम होगा है ना रोल नंबर होगा ऐसे करके ये पूरा आपका टाइटल पेज बनता है सबसे पहले ठीक है क्लियर है फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन के अंदर ही चीजें आती है आपकी बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी मतलब आप जिस टॉपिक पे भी आप स्टडी करना चाह रहे हो उसका पूरा बैकग्राउंड लिखना है ना जो भी जिसमें जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं अभी हम लोग सैंपल देखेंगे तो वहां पे देखना आप लोग ठीक है जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं उन सबको उन सब के बारे में डिटेल में पूरा एक लिखना ठीक है फिर आता है उसकी नीड एंड सिग्निफिकेंस ठीक है नीड एंड सिग्निफिकेंस इधर आ जाओ देख लो एक बात इधर ही टाइटल देखो टाइटल की अगर बात करें जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिया इसी का मैंने सिनॉप्सिस लगाया सैम्पल में ठीक है अ स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद कनेक्शन टू मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्पेशल नीड चिल्ड्रन हमें क्या बताना स्टडी करना है इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या कनेक्शन होता है ठीक है क्या कनेक्शन होता है मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्पेशल नीड चिल्ड्रन इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है ठीक है ज्यादातर एम वगैरह में आप लोगों को जो वेरिएबल्स लेने होते हैं वो दो ही वेरिएबल्स लेने होते हैं जब पी में आप जाओगे तो वहाँ पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स ले सकते हो बट मोस्टली जैसे हमारे यहाँ पे था कि आ, दो ही वेरिएबल्स लेने होते हैं ठीक है थेके? तो टाइटल में सबसे पहला हेडिंग क्या है आपका यहाँ पे टाइटल ठीक है टाइटल ऑफ द सिनॉप्सिस दिस शुड बी मतलब ये एक तरीके से ये क्या होता होते है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोग को सिंपल सा आपको क्या यहाँ पे अपना टॉपिक डालना है आपका लोगो होता है या फिर सुपरवाइजर का नाम या गाइड जो भी है यहाँ पे आपका नाम वगैरह ठीक है तो ये होता है टाइटल में फिर आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्शन एक तरीके से ओवरव्यू होता है बैकग्राउंड का मतलब जिस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया है ठीक है ये जो टॉपिक है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है मेंटल हेल्थ है स्पेशल नीड के बच्चे क्या है इन सब के बारे में आप पूरा

क्यों वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज किया जाता है तो वही चीज है जो भी वेरिएबल्स है मान लेते हैं यहाँ पे यह जो आपका वेरिएबल है ये इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस आपका वेरिएबल है मान लेते हैं यहाँ पे ठीक तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ऑपरेशनल डेफिनेशन कहने का मतलब क्या है इसको मेजरेबल फैक्टर में कन्वर्ट कराते हैं ठीक है फिर आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या एम है क्या ऑब्जेक्टिव है मतलब क्या उद्देश्य है मतलब समझ रहे हो आप अगर ये रिसर्च करना चाह रहे हो इस टॉपिक पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है विद कनेक्शन टू तो द मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्पेशल नीड चिल्ड्रन तो इसको करने का आपका उद्देश्य क्या है आप क्यों करना चाह रहे हो है ना ये चीज फिर आता है नीड ऑफ द स्टडी इसकी जरूरत क्या है पर्पज ऑफ द स्टडी ठीक है फिर पर्पज फिर आता है आपका हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस भी दो तरीके के हैं आपके एक एक्सपेरिमेंटल एक नल हाइपोथेसिस ठीक है ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है जिसमें ये ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है आपको जरूरत नहीं है सिर्फ सिंपल से हैडिंग समझो फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गया ठीक है फिर हम लोग उसमें सैंपल में चेक करते हैं इसको सैंपल में देखेंगे कैसे लिखा वहां पे हाइपोथेसिस हो गई दो तरीके की हाइपोथेसिस बनानी होती है आपको एक होती है नल हाइपोथेसिस एक होती है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको डिनोट करते हैं एच वन है या फिर एच ई से डिनोट करते हैं ठीक है फिर लिटरेचर रिव्यू आ जाता है लिटरेचर रिव्यू हम जो हमारा एग्जिस्टिंग मतलब हमारा जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस विद कनेक्शन टू द मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्पेशल नीड चिल्ड्रन उससे रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग सर्च हो चुकी है रिसर्च हो चुकी हो चुकी है उसको हमें यहाँ पे रीड करना होता है ठीक है फिर आता है आपका मैथोलॉजी कौन कौन सी मैथोलॉजी आपने यूज की है ठीक उसके बाद यहाँ पे मैथ्रोलॉजी के जब रिसर्च मैथ्रोलॉजी में आएंगे तो यहाँ पे मैथ्रोलॉजी है पॉपुलेशन है सैंपल टेक्निक्स क्या है टूल क्या है फिर आता है डिलिमिटेशन एंड रेफरेंसेसो मैं एक बार इसको यहाँ पे ऐसे समझाती हूँ आपको देखो सबसे पहले आपने टाइटल पेज प्रिपेयर कर लिया आपका ठीक है टाइटल पेज ये हो गया आपका जहां पे आपने टॉपिक का नाम डाला लोगो हो गया सुपरवाइजर का नाम हो गया आपका हो गया फिर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में जाओगे ठीक बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में मतलब तो जो जो आपके वेरिएबल्स हैं उस टॉपिक के अंदर है ना उसके बारे में आप डिटेल में वहां पे लिखोगे ठीक है क्लियर हो गया उसके बाद आज नीड एंड सिग्निफिकेंस है क्या उसका उसका है दो चार पॉइंट में और लिख ठीक एक पॉइंट यहाँ पे पीछे आप लोगों ने भी देखा है ठीक यहाँ पे पर्पस नहीं है है कहीं कहीं पे कर सकते हो कहीं कहीं पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है अगर पर्पज आप लिखना चाहते हो तो उसके बाद एक नेक्स्ट की दो से तीन पॉइंट यहाँ पे भी लिख दो तो। ठीक है क्लियर है फिर आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अब अपने प्रॉब्लम जो आपका प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट ठीक है क्या स्टेटमेंट रहेगा कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस विथ कनेक्शन टू द मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्पेशल चिल्ड्रन ठीक है ये आपका स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट के बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आप उसका उद्देश्य लिखोगे आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके वो चार से पांच होंगे ठीक है चार से पांच आपके जो सिनॉप्सिस होते हैं वहां पे चार से पांच लिखे जाते हैं ठीक है पॉइंट में आपने लिख दिए फिर आता है हाइपोथेसिस हाइपोथिस में आप क्या करते हो प्रोबेबिलिटी टेंटेटिव सोलूशन बनाते हो मतलब रिलेशनशिप यहां पे बनाते हो कि देर इज अ रिलेशनशिप देर इज नो रिलेशनशिप ऐसे करके आप हाइपोथेसिस को डिजाइन करते हो फिर जो आपके वेरिएबल्स हैं ठीक है तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स उसकी हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं देन आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना रिव्यू ऑफरे लिटरेचर में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिखते हो फिर आता है रिसर्च मैथोडोलॉजी रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर आपने कौन सी मैथडोलॉजी यूज की है यहाँ पे ठीक उसके बाद कितनी पॉपुलेशन थी आपकी पॉपुलेशन में सैंपल आपने कितना लिया कौन सी सैंपल टेक्निक का यूज किया फिर आता है आपका टूल ठीक है मतलब ये रिसर्च को करने के लिए आपने कौन से टूल्स का यूज किया है तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं आपकी रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर आती हैं क्लियर है बातें है यहाँ तक नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डीलिमिटेशन देखो दो हो चीजें होती हैं एक होता है आपका लिमिटेशन एक होता है आपका दोनों में फर्क समझ लो अगर लिमिटेशन की बात करें ठीक है अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो ये लिमिटेशन क्या होती है ये एक तरीके का लैक हो रहा होता है हमारी स्टडी में ही लैक हो रहा होता है ठीक है लाइक आपकी टेस्टिंग में दिक्कत हो सकती है आपके सैम्पलिंग में दिक्कत हो सकती है है ना ये मतलब स्टडी के अंदर ही जो प्रॉब्लम आ रही है ठीक है वो होती है लिमिटेशन लेकिन जो डीलिमिटेशन होती है वो हमारे चॉइस से होती है मतलब जैसे आपने क्या कर दिया कि आपने ये जो तो, ये जो रिसर्च है आपने लिमिट कर दिया कि हमें लखनऊ में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं सिर्फ उन पे ही हमको रिसर्च करनी है तो आपने क्या किया अपनी रिसर्च को डिलिमिट कर दिया ना लखनऊ तक ही लिमिट कर दिया लखनऊ से आगे नहीं बढ़े उसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से होंगे सिर्फ वहीं पे ही आपको जाना है ठीक है तो ये जो डिलिमिटेशन होती है वो रिसर्चर का चॉइस होता है है ना जो डीलिमिटेशन होता है वो रिसर्चर का चॉइस होता है और जो लिमिटेशन होती है वो क्या होता है लैक ऑफ जो होती है मतलब जो भी आ रही होती हमारी टेस्टिंग से रिलेटे, से रिलेटेड रिलेटेड उसकी कमी की वजह से होता है ठीक है तो लिमिटेशन अलग है डिलिमिटेशन यहाँ पे अलग है फिर आता है रेफरेंसेस अगर मैं रेफरेंसेस की बात करूँ तो रेफरेंसेस आपको लिखना तो लास्ट में होता है लेकिन जब भी आप अपने आ, लिखने के लिए बैठो ठीक है तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ठीक है आपने आ, जो भी उसका बैकग्राउंड लिखा है आपने जो भी इंट्रोडक्शन लिखा है उसको कहीं ना कहीं से तो उठाओगे ना चाहे आप किसी बुक से निकालो या फिर किसी वेबसाइट पे जा, जाके देखो या फिर शोध गंगा में जाके देखो कहीं पे भी देखो तो वो जो रेफरेंसेज हैं वो साथ में ही अपनी कॉपी में आपको लिखते रहना है क्योंकि बाद में फिर आपके पास रेफरेंसेज फिर आपको इतने याद नहीं रह जाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ से ये चीजें उठाई हैं है ना तो ये जो आप इस आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है हाइपोथिस लिखा है तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंसेज जो आपने यूज किए होंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन के लिए है ना तो उन रेफरेंसेस को साथ ही साथ में लिखते चलो यहाँ पे साथ ही साथ में लिखते चलो और लास्ट में आपके पास मतलब हल्का रेफरेंसेज हो जाएगा जो आप आखिरी में लिख सकते हो ठीक है तो ये पूरा था आपका स्टेप्स कैसे आपको डिजाइन करना होता है सिनॉपसिस को जस्ट अ सेकेंड मैं आपको वो भी शो करती हूँ ये ठीक है ये सैम्पल है देखो यहाँ पे करेक्शन काफी सारी है इसमें ठीक है पूरा सही नहीं है ये मतलब इसका बैकग्राउंड काफी छोटा है बैकग्राउंड इतना छोटा वैसे होता नहीं है ठीक है बैकग्राउंड मैक्स टू मैक्स आपका दो पेज का तो होना ही चाहिए ठीक है मैक्स टू मैक्स दो पेज का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए इसमें सिर्फ इमोशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और सारी चीजें इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है ठीक है ये जो रिसर्च प्रपोजल है वो क्या है अ स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद कनेक्शन टू द मेंटल हेल्थ यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी पूरा एक सेकेंड रुको यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी बैकग्राउंड में डिस्कस नहीं किया गया स्पेशल नीड के जो होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस नहीं किया गया क्या इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और कैसे इसका कनेक्शन होता है मेंटल हेल्थ के बारे में ठीक है तो ये सारी चीजों को यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं किया गया है ठीक है मैं यहाँ पे जस्ट आपको सैंपल दिखा रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना होता है ठीक है ये यह सिर्फ यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ठीक है जैसे यहाँ पे क्या है सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया ठीक इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी अब बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है जो सफिशियंट नहीं है इससे ज्यादा मैटर होना चाहिए ये बहुत कम मैटर है ठीक है यहाँ पे सिर्फ इमोशंस के बारे में लिखा हुआ है लेकिन हमें यहाँ पे मेंटल हेल्थ का इमोशनल इमोशंस का इमोशनल इंटेलिजेंस का स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके सबके बारे में यहाँ पे हमको लिखना था ठीक है तो ये बैकग्राउंड मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी ये हो गया अब इसमें ये सारी चीजों को आपको लिखना है जितनी भी चीजें आपकी पे पे आपको दिख रही है। Just a hmm. a यहाँ पे ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे जितनी भी चीजें ठीक है अब नेक्स्ट पे आ जाओ अब आते हैं नीड एंड सिग्निफिकेंस ठीक है अब इसका क्या लिखोगे नीड एंड सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है क्या नीड इमोशनल इंटेलिजेंस का ठीक है क्या नीड है कैसे ये इम्पैक्ट करती है मेंटल हेल्थ को ये सारी चीजें ठीक है फिर आता है आपका ये नीड एंड सिग्निफिकेंस क्लियर है बात नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ठीक फिर आता है आपका ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपने क्या लिखा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें क्या था स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद कनेक्शन टू द मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्पेशल नीड चिल्ड्रन क्लियर है फिर आ जाओ ऑब्जेक्टिव ठीक है क्या ऑब्जेक्टिव objective. ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गया देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसी को ध्यान में रखकर हम अपना हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है उद्देश्य ये है इस स्टडी स्टडी का टू द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्पेशल नीड चिल्ड्रन पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या बनाया हमें रिलेशनशिप देखना है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जो मेंटल हेल्थ होती है स्पेशल नीड चिल्ड्रन के ठीक है क्लियर है फिर दूसरा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्पेशल नीड चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज अब हमने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस मेंटल हेल्थ देखना है कहां पे रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उन पे देखना है फिर हमने अर्बन एरियाज के लिए ठीक है फिर मैंने अर्बन एरियाज के लिए यहाँ पे बनाया ठीक उसके बाद टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ़ स्पेशल नीड चिल्ड्रेन एडेड स्कूल जो एडेड स्कूल्स हैं वहां पे भी जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन उनका हमको इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप देखना है फिर नॉन एडल्ट के बीच में तो ऑब्जेक्टिव में आपने किसके किसके ऊपर बनाया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आपने ये बनाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बाद आपने रूरल एरिया रखा फिर आपने अर्बन एरियाज में देखा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है जो अर्बन एरियाज से बच्चे आते हैं उनके उनका क्या रिलेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ का जो रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है और जो एडेड में है और जो नॉन एडेड में इस तरह से करके आपने पांच ऑब्जेक्टिव बना लिए मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप पांच ऑब्जेक्टिव बना सकते हो ठीक है पांच ऑब्जेक्टिव तो बनने ही चाहिए आपके ठीक है नेक्स्ट आ जाओ आप क्या करोगे आप जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ठीक है थेके? तो कोशिश करनी है कि हाइपोथेसिस उसी पे बेस्ड होनी चाहिए जो भी आप हाइपोथेसिस बनाओ यहां पे जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसी से बनाना है आपको ठीक है तो सबसे पहला हो, यहाँ पे हाइपोथेसिस आपने क्या बनाया है देर इज अर नो सिग्निफिकेंस आपने बोला कोई सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन ठीक है तो अब अब ये आपने हाइपोथेसिस अपना नल हाइपोथेसिस बना लिया है अब इसको आप क्या करोगे टेस्ट कराओगे ठीक है अब इसको आप क्या करोगे टेस्ट कराओगे टेस्ट कहा होगा आपका में होगा जो लास्ट में होता है statistics पार्ट वहां पे होगा फिर ठीक है फिर आपने क्या बनाया इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अ स्पेशल नीड चिल्ड्रन ऑफ अ रूरल है फिर आपने अर्बन एरियाज के लिए बनाया ठीक फिर आपने बनाया देर इज अ अग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ठीक है इसके बीच में इस तरह से आप अपने हाइपोथेसिस को भी डिजाइन कर सकते हो ठीक है इसमें काफी सारी करेक्शन है तो ये एज इट इज कोई मतलब लिख नहीं सकते हो बस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे दिखाए करेक्शन इसमें काफी सारी है हाइपोथीसिस हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, हो आपका मैक्स टू मैक्स फाइव पॉइंट का तो होना ही चाहिए ठीक है पांच पॉइंट की तो होनी ही चाहिए ठीक नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेशनल डेफिनेशन डेफिनेशन ऑपरेशनल पे दो वेरिएबल्स थे आपके एक इमोशनल इंटेलिजेंस था और एक मेंटल हेल्थ था ठीक है तो दोनों को ही मेजरेबल फैक्टर बनाने के लिए हमने इसको क्या किया ऑपरेशनलाइज कर दिया इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ ठीक है फिर आ जाओ इसके रिव्यू लिटरेचर पे रिव्यू लिटरेचर भी सात से आठ आपके होने चाहिए ठीक है सात से इसमें आई थिंक रिव्यू लिटरेचर भी कम है ठीक है चार ही पांच यहाँ पे दे रखे हैं लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट आपके रिव्यू लिटरेचर हुए हैं इस स्टडी पे उसके आपके सात से आठ यहाँ पे होने चाहिए ठीक है वो रिव्यू और लिटरेचर है ठीक नेक्स्ट आ जाओ अब आते हैं रिसर्च मेथोलॉजी पे ठीक अब रिसर्च मैथडोलॉजी कौन सा टूल आपने यूज़ किया है ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे रिसर्च मैथोडोलॉजी में बात करें आपने कौन सी मैथडोलॉजी को यूज़ किया तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सर्वे मैथड का यूज़ किया गया ठीक है आपका टॉपिक क्या था टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्पेशल नीड चिल्ड्रन ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करोगे डिस्क्रिप्टिव जो सर्वे मैथड है उसका यूज करोगे है ना तो ये चीज़ देखो कौन सी मैथोडलॉजी का आपको यूज करना है ये तो आपका टॉपिक पे डिपेंड करता है है ना ये तो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज करने वाले हो ठीक फिर आता है पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन क्या है आपने क्या किया द पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडीज स्टूडेंट विद विद बी डिसबिलिटी स्टडी इन द स्कूल ऑफ लखनऊ मतलब हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या थी लखनऊ में लखनऊ में जो भी चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स वाले उनको हमको यहाँ से लेना है तो ये हमारी ये पूरा लखनऊ में जितने भी स्पेशल बच्चे हैं

ठीक है उनको हमको लेना है तो ये हमारा परपसिव सैंपल होगा ये परपसिव सैंपलिंग कहने का मतलब क्या है ये किस में जाएगा हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी में जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब क्या है क्वालिटेटिव में ठीक टूल, टूल है आप आपका क्वेश्चन आयर भी हो सकता है, है ना तो ये जो टूल होगा वो डेवलप कौन करेगा रिसर्चर ठीक है अब टूल जो भी होगा वो जो भी टूल को यूज करना चाहे चाहे वो क्वेश्चन आयर को डेवलप कर ले है ना इस तरह डेटा कलेक्शन

स्कूल्स है वहाँ के जो भी प्रिंसिपल होंगे वहां से आप या लोगे परमिशन लोगे डेटा को कंपाइल करने के लिए ठीक है डीलिमिटेशन अब यहाँ पे देखो डिलिमिटेशन एक तरीके से पूरा सही से लिखा नहीं हुआ है ठीक है हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था पूरा लिमिटेशन बतानी चाहिए थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिलिमिटेशन सिर्फ यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये लिखा है दिस स्टडी विल बी लिमिटेड टू लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑनली तो ये एक तरीके का इनका क्या है डिलिमिटेशन ठीक है यहाँ पे क्या इन्होंने लिमिट कर दिया जो रिसर्चर है सिर्फ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे को ले सकता है द स्टडी विल बी कंडक्टेड ऑन दोज स्टूडेंट हु इन स्कूल मतलब ये स्टडी अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोल दी गई पहला तो यहाँ पे डिलिमिटेशन ये था कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चों को यहाँ पे लेना है दूसरा यहाँ पे डिलिमिटेशन ये था रिसर्चर की तरफ से कि जिन बच्चों ने स्कूल में इनरोल किया हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पे लेना है और जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे नहीं लेना है ठीक है उसके बाद आते हैं रेफरेंसेस रेफरेंसेस में कई सारे आप रेफरेंसेस लिख सकते हो जहां जहां से भी आपने डेटा को कलेक्ट किया हो ठीक है क्लियर बात है ये ये देखो यहाँ पे काफी सारी करेक्शन है जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं ये जो आपका हाइपोथेसिस बना है कुछ यहाँ पे भी काफी सारी करेक्शन है ठीक है लेकिन हाइपोथेसिस है ऑब्जेक्टिव है ये आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है ठीक है तो मेरा सिर्फ जो मेन मोटिव था इस इसको दिखाने का इस इसोपसिस को सिर्फ ये था कि आप देख पाओ कि कैसे आपको डिजाइन करना है अपनी को, अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ठीक है जो आपके जो स्टेप्स होते हैं वो है आपकी ये ठीक है इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रिपेयर करना है ठीक है जो भी आपका टॉपिक है सबसे पहले आपने टाइटल पेज देखा फिर इंट्रोडक्शन देखा है ना फिर बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी हमेशा ध्यान रखना जो भी बैकग्राउंड होगा आपका स्टडी का है ना एक मिनट जो भी बैकग्राउंड होगा स्टडी का वो आपका कितना होना चाहिए पंद्रह सौ दो सौ हजार वर्ड मतलब दो से चार पेज का तो बैकग्राउंड होना ही होना चाहिए बैकग्राउंड अभी आपने जो सैम्पल देखा है वो उसमें बहुत कम था बहुत ज्यादा कम था ठीक है तो जो भी बैकग्राउंड हो आपका स्टडी का वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए जो आपके पूरे टॉपिक को बता पाए कि आप उसमें क्या चीजों के बारे में कर रहे हो है ना तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आपका दो से तीन पेज तो रहना ही रहना चाहिए नीड एंड सिग्निफिकेंस के पांच पॉइंट आप लिख दो सफिशियंट है फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो भी आपका प्रॉब्लम

ठीक है उसी से आप निकाल पाओगे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे उसी से आप अपना हाइपोथेसिस बना पाओगे तो अकॉर्डिंगली आपको ये बनाना है फिर आप क्या करोगे जो भी आपके टॉपिक में वेरिएबल है है ना यहाँ पे जो आपका आपका टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे जो भी जितने भी वेरिएबल है दो या तीन जो भी वेरिएबल्स हैं उनको ही आपकी उनको ही आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखना है उसका ही आपको चाहे वो मेंटल हेल्थ हो इमोशनल इंटेलिजेंस हो उसका आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखना है ये आपके वेरिएबल्स हैं अगर आपसे कोई पूछे कितने वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स हैं आपके है ना तो ये आपके ये तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक मैंने लिया उससे मैं बता रही हूँ वैसे दो से दो से तीन भी वेरिएबल्स होते हैं आपके ठीक है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा टाइटल ले रहे हो बहुत लंबा टाइटल ले रहो या छोटा टाइटल ले रहो है ना वो, आ, जो आपका स्टेटमेंट है वो कित, कैसा ले रहे हो ठीक फिर आता है रिव्यू लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर में उस प्रॉब्लम से, से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस हुई है उसको आप क्या करोगे रीड करोगे है ना फिर आता है रिसर्च मैथोलॉजी कौन कौन सी मैथ मेत्र, क्या मैथोलॉजी आपका यू ने आपने यूज़ किया है यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कितनी है आपने कितने सैंपल्स को लिया है और क्या सैंपलिंग टेक्निक का यूज़ किया है आपने कौन से टूल्स का यूज़ किया है तो ये सारी चीज़ें आपकी इस वाले सेक्शन में आती हैं फिर यहाँ पे आप लिखते हो उसका डीलिमिटेशन डिलिमिटेशन रिसर्चर का चॉइस होता है उसने डिलिमिट कर दिया एक ही डिस्ट्रिक्ट में उसने डीलिमिट कर दिया सीनियर सेकेंडरी वाले स्कूल्स को ही उसने लिमिट uh, कर दिया एलिमेंट्री स्कूल्स को है ना तो ये रिसर्चर का चॉइस होता है ये ठीक फिर आता है रेफरेंसेस रेफरेंसेस आपको साथ साथ में लिखने पड़ते हैं क्योंकि आपने कहा से चीजों को उठाया है कैसे कैसे लिखा है है ना तो ये चीजों को आपको अपने साथ साथ कॉपी में अलग से लिखना पड़ेगा ठीक है तो फिर उसके बाद आप छः सात आठ सात सात से आठ रेफरेंसेज भी आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं ठीक है थिक? तो ये सारा कुछ आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि आपका स्टेप कैसे हम लोगों को डिजाइन करना होता है आपका जस्ट रिसर्च सिनॉप्सिस को ठीक है? है, पूरा रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे डिजाइन करना होता है? ये सारी चीजों हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस किया उम्मीद करती हूँ कैसे सिनॉप्सिस को बनाया जाता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे ठीक है अगर किसी को क्वेरी है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताए ठीक है एक बार उसको फिर से दूसरे सैंपल जो एक दूसरा जो सैंपल होगा सिनॉपसिस का उसके थ्रू तो फिर से समझाने की कोशिश करूंगी उसके अलावा हम लोग डिजर्टेशन को भी प्रिपेयर करना सीखेंगे कि डिजर्ट जो एम में आप लोगों के डिजर्टेशन वगैरह बनाए जाते हैं ठीक है ठीके? तो उसको भी कैसे बनाया जाता है उसको भी हम लोग आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे ठीक है एंड जो हम लोगों ने बी जो रेड का पेपर था ठीक है बी एच यू रेड का आपका एक जो पेपर हुआ था एंट्रेंस वाला 2021 का उसका पार्ट वन मैंने डिस्कस कर लिया है पार्ट टू आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग में पार्ट टू भी मैं उसका अपलोड करूंगी ठीक है पार्ट वन में उसका हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं ठीक है थेके? तो जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा हो वो प्लीज जाके उसको देखे उसकी मैंने अलग से प्ले बना दी है ठीक है सो आज का सेशन ये पे एंड करते हैं छोटा सा सेशन था ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी क्योंकि आपको भी डी में भी बनानी है एम कर रहे हो तो वहां पे भी बना बनानी है आप लोगों को है ना डिजर्टेशन भी अगर बनाने जा रहे हो तो सनॉप्स की जरूरत पड़ने वाली है ठीक है सो थैंक यू अभिमन अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कैसा लगा वीडियो ये भी लिख के बताइएगा ओके और जो कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा एंड जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो टेलीग्राम पे जुड़ना Uh, क्योंकि मैं आजकल जो भी आपके नए नए जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं है ना जो भी जो आपके इन्वॉर्मेंट सेक्शन में एक्चुअली पेपर वन में आपको हेल्प करेंगे है ना जो आपका पेपर वन होता है इन्वॉयमेंट सेक्शन जहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव्स स्कीम्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है तो वो आपको वहां पे हेल्प करेंगे ठीक है सो थैंक यू एवरीवन